डेडली भाई रैंक का नया सीजन आ गया है, चलो ना रैंक पुश करते हैं। अरे मैं नहीं कर रहा यार रैंक पुश। लेकिन क्यों डेडली भाई? अरे रैंक पुश से मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? एक तो रैंक पुश के लिए मेरे दोस्त आए ना, गरेना से ग्लिचेस सही होए ना, और इतने 50 नाटक हैं कि इससे बढ़िया तो पढ़ाई कर लूँ मैं। अब सबसे पहले तो रैंक पुश के लिए टीम इकट्ठी करो, क्योंकि सोलो में रैंक पुश करना उतनी समझदारी है जितनी अपने झाटे सीधी करना। और रैंक पुश के लिए टीम इकट्ठा करना कोई आसान चीज़ नहीं है, ना 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 ना, ये इतना ही मुश्किल है जितना गोवा ट्रिप के लिए अपने दोस्तों को राजी करवाना। और सारे दोस्त वही बहाने बनाते हैं जो गोवा ट्रिप के कैंसिल होने पे होते हैं। भाई मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, भाई मेरा तो खड़ा ही नहीं होता है, मैं क्या करूँगा जाके। और चलो मान लो तुम्हारा बहुत ही अच्छा नसीब चल गया और तुम्हारे कुछ बहुत ही वफादार दोस्त है, तो तुम्हारी टीम तैयार हो गई और तुमने खाना पीना हगना मूतना सोना जागना सब छोड़ छुड़ा के रैंक पुश चालू कर दी। लेकिन रैंक पुश का असली मकसद क्या है? ग्रैंड मास्टर जाना। और ग्रैंड मास्टर में कितने स्लॉट्स हैं? सिर्फ 3000, और पहले तो 300 ही थी। अब इतने लाखों बंदे गेम खेल रहे हैं तो तुम ही सोच लो कैसे पहुँचोगे तुम ग्रैंड मास्टर। और इन सब चोचलों के बाद अगर तुमने रैंक पुश चालू भी कर दी तो भी तुम्हारी परेशानियां ख़त्म नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है, असली नाटक तो अब चालू होगा। अब हम में से आधे से ज़्यादा तो मिडिल क्लास वाले हैं, और हमारे पास है क्या? हाँ, लो एंड डिवाइस। और अगर सामने कोई हाई एंड डिवाइस वाला आ गया जो कि आता है, तो वो तुम्हें इतनी आसानी से पेल जाएगा जैसे जॉनी सिंस लड़की पेलता है। अब कुछ ही घंटे पुश करने के बाद तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपस में ही लड़ना चालू कर दोगे कि तुझे ये करना था, वो करना था, फला करना था, लौड़ा लसन। और कहानी यही ख़त्म नहीं हो जाती, कुछ फटे हुए कांडम के नतीजे हैकर के साथ रैंक पुश करते हैं, और जिस गेम में हैकर आ गया, हा, दिमाग का ऐसा भोसड़ा होता है ना, क्या बताऊँ। और हैकर से रैंक पुश करवाने से अच्छा तो बहनचोद गांड मारा लो, मिलता क्या है। और चलो ये तो फिर भी ठीक है, इनके बाद तो इनके बाप की एंट्री होती है जिन्होंने वक्त को ही मात दे दी भाई, वक्त को। हाँ भाई उन्हीं की बात कर रहा हूँ, रीजन टॉपर्स जो हर साल रीजन टॉप करते हैं। चलो एक बार को मान लिया कि इन्होंने खाना पीना सोना हगना मूतना सब छोड़ दिया और 2400 घंटे रैंक पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक महीने में 1,00,000 का स्कोर, बहनचोद असंभव। मतलब अगर तुम कैलकुलेशन लगाओगे तो भी नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं मास्टर रैंक पुश करता हूँ तो 5000 के स्कोर के बाद 1-1 घंटा लग जाता है मेरी मैच मेकिंग के लिए, और इनका 1-1,00,000 के स्कोर पे मैच मेकिंग हो रही है। अब ग्लिच यूज़ करके रैंक पुश करिए तो गरेना तो गांड मारेगा ही। अब गरेना जब आईडी बैन करके रैंक गिरा देता है पूरी, तो रोते बैठते हैं भड़ोए। अब जिसके लिए तुमने 2400 घंटे सब त्याग के इतनी गांड मराई करी, उसके लिए तुम्हें मिलता क्या है? मान लो तुम पहुंच गए ग्रैंड मास्टर, तो तुम्हें रिवॉर्ड पे मिलता क्या है? एक बैनर और एक अवतार, वो भी सिर्फ 60-60 दिन के लिए। और अगर तुम सोचते हो कि 4 बंदों के ग्रुप में जाओगे और तुम्हें इज्जत मिलेगी, तो ऐसा तो कहीं होना नहीं। 4 लोग गाली बक के बेइज्जत और करते कि आजा बढ़वे कस्टम में। अब आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि यार ये रैंक पुश की मजदूरी छोड़ो और बढ़िया अपने दोस्तों के साथ पीक पे कूदो और मरो, और अपने दोस्त पे इल्ज़ाम लगाओ कि तुझे ये करना था वो करना था, और बिल्कुल एंटरटेन होके खेलो, ये फ्रस्ट्रेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। Double kill. चले सरदारी, लगे जैक नहीं, वड़े जैक नहीं।